ग्राम पंचायत रीठी में अति प्राचीन आदर्श रामलीला समिति रीठी के नाम से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ, जो 30 अक्टूबर को मेले के साथ समापन होता है। इस रामलीला के मंचन का उद्घाटन करने के लिए भाजपा नेता पूर्व प्रत्याशी सतीश सिंह मौके पर पहुंचकर फीता काटे और कलाकारों का उत्साहवर्धन के लिए यथासंभव इस मंच के लिए मदद करने का आश्वासन देते हुए कलाकारों को धनराशि भी प्रदान किए। महोदय का कहना था कि रामलीला एक ऐसी परंपरा शुरू से चली आई है, जिसके मंचन से ग्रामीण अंचल में एक ऐसा संदेश जाता है जिससे आने वाले भविष्य में लोग उसका अनुसरण करते हैं। जैसे भगवान राम के किरदार को जो कलाकार निभाता है, उनके चरित्र को देख करके लोग अपने अंदर राम की भावना को महसूस करते हैं और उसको चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मण के किरदार को देख करके भाई का चरित्र निभाने की कोशिश करते हैं। सीता माता के चरित्र को देख करके हमारी माताएं अब बहनें उस पर अमल करती हैं और इस मार्ग पर चलने की कोशिश करती हैं। इसलिए धर्म का अधर्म पर विजय किस प्रकार प्राप्त होती है, लोग इस चीज का अनुसरण करते हैं और उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, जिससे ये रामलीला का मंचन होना अति आवश्यक है। ये जो परंपरा टूट रही है, इसको जो लोग जीवित करते हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इस ग्रामीण के लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो लोग इस रामलीला के मंचन को जीवित जीवंत चलाना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो कि रामलीला इत्यादि होना चाहिए। यह हमारी प्रादि परंपरा है, इससे एक गांव के लोग एकजुट होते हैं, लोगों के अंदर भावनाएं अच्छी प्रकट होती हैं।